ये है मर्सिडीज़ की ए क्लास, ये लेटेस्ट मॉडल है इसका। और देखें इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल भी जो है वो डिजिटल है, और इसमें देखें कितना ज़बरदस्त डिस्प्ले आता है। तो ये गाड़ी का फ्रंट एंड, और लुक्स वाइज भी गाड़ी अच्छी है। चल इंटीरियर थोड़ा देखते हैं। स्टील वे पे जो थोड़ा सा टच पैड भी है, बटन्स भी हैं, स्क्रोलिंग बटन्स भी हैं, और लेदर भी है अच्छा खासा। तो इंटीरियर वाइज गाड़ी तो बहुत अच्छी। चलो और भी फीचर्स मैं इसके दिखाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले आपका LCD स्क्रीन है जो कि टच स्क्रीन है। इसके नीचे बड़े बड़े AC के ग्रिल हैं, वो AC ग्रिल आपको जी क्लास में ही मिलेंगे। और स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन्स हैं, स्क्रोलर हैं, जैसे ये वाला वॉल्यूम का है, तो उससे आप गाड़ी की वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। AC ग्रिल वो भी एक बहुत अच्छी सिल्वर कलर की डिटेल्स हैं। नीचे बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर के बटन्स भी हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे जो है वो एक स्लाइडिंग डोर है, उसके अंदर जो है कप होल्डर्स और स्टोरेज एरिया मोबाइल चार्ज करने के लिए। फिर यहाँ पे आपका जो है एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो है एक टच पैड। तो ये टच पैड जो है वो साथ में एक छोटा सा हैंड रेस्ट के साथ भी आता है, और वो कंट्रोल करता है कि पूरी ये LCD स्क्रीन को। इस LCD स्क्रीन को आपको हाथ पड़ा के टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी टच स्क्रीन को जो है वो इसी टच पैड को सॉरी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं सिलेक्शन के लिए। और उसमें जो है वो साथ साथ शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर ये होम का बटन भी है, और यहाँ पे साथ में एक ये सेम वॉल्यूम का भी कंट्रोलर बटन है। तो वॉल्यूम आप जो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील से भी कर सकते हैं। साथ में और भी शॉर्टकट्स हैं इसमें, जैसे ये मैंने नेविगेशन के दबाया तो नेविगेशन खुल गया अभी यहाँ पे। तो गाड़ी चलाने पे ये आसानी है कि आपको जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है आप शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हैं या बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आर्मरेस्ट है बहुत अच्छा, बाकी इंटीरियर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सिंपल सा है, और मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं। सीट्स भी बहुत अच्छी हैं। सीट्स इसमें थोड़ी सी स्पोर्टी सी हैं, इसमें थोड़ा सा लेदर है ऊपर ऊपर की तरफ, और बीच में जो ग्रे मटेरियल का नज़ारा है वो एलकंटारा है, वो थोड़ा स्पोर्ट लुक के लिए होता है। तो ओवरऑल गाड़ी है तो बहुत अच्छी। तो इसमें दो इंजन आते हैं, एक है 1300 CC इंजन और एक है 200 CC इंजन। और सेम यहाँ पे आपका जो है वो बटन्स हैं शीशे कंट्रोल करने के लिए, साइड मिरर कंट्रोल करने के लिए, और तरह तरह और बटन्स और भी यहाँ के पास। सिर्फ गाड़ी को बाहर से देखते हैं तो यहाँ पे हाँ एक शीशे पे एक स्टिकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे बताता है इस गाड़ी में इंजन को कितना बड़ा है। तो ये है इसका इंटीरियर, मुझे बताएगा आपका इंटीरियर कैसा लगा। अच्छा यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं स्टिकर पे लिखा हुआ है कि ये 2022 की A200 है, 1.3L यानी 1300 CC वाला इंजन है इसमें। तो इसमें दो इंजन आते हैं, एक ये वाला है और एक 2000 CC वाला है। चल गाड़ी का फ्रंट एंड देखते हैं, फ्रंट एंड यकीनन आपको पसंद आएगा। ये है इसका फ्रंट डिज़ाइन। हेडलाइट्स बहुत स्लीक सी हैं, ग्रिल भी अच्छी है, डॉटेड मैट्रिक्स है। और सच बात बताऊँ इससे एक डिज़ाइन एक मॉडल पहले जो डिज़ाइन आता था वो ज़्यादा अच्छा था, उस पर ज़्यादा बड़ी हेडलाइट्स होती थी, ज़्यादा पावरफुल लुक था उसका। ये जो है ये पतली लाइट्स ये बस ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। अच्छा ऊपर की तरफ जो है वो जो लाइन आपको नजर आई बड़ी सी जो कि उल्टा टिक मार्क की तरह, वो डेटम लाइन लाइट्स हैं। बाकी जो लाइट्स हैं वो जेनॉन बल्ब्स हैं। और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अच्छा कलर भी इसका बहुत प्यारा है इसका, ये बहुत ही गोल्डन ब्रॉन्ज टाइप का कोई शेड है, या शायद इसको टीपिक कह सकते हैं, मैं शो नहीं। तो शुक्र है शोरूम में वाइट लाइट है, तो उसमें आप कलर देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कौन सा कलर है या आपको कैसा लगता है कलर। बाकी पीछे से आप आगे देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये एक छोटी गाड़ी, ये है तकरीबन सुजुकी कल्टस के साइज़ की। और ज़ाहिर इसीलिए इसमें 1300 CC और एक 2000 CC का ऑप्शन है, तो आप दोनों छूट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों। प्राइसिंग इतफाक से वो भी बहुत सिंपल है, 1,30,000 से लेकर 2,000 2 लाख दिरहम तक की इसकी प्राइस रेंज है। तो ये तो सिर्फ ए क्लास की बात कर रहा हूँ, जो इसमें AMG मॉडल्स हैं वो उनकी प्राइस अलग है, उनके इंजन और ऑप्शंस वो सब कुछ अलग ही होता है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको सारे नाम और लिंक्स मिल जाएंगे मर्सिडीज़ की वीडियोस की। उसमें आपको सी क्लास लेके एस क्लास, नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स जैसे EQE EQS उनकी वीडियोस हैं, SLR McLaren जो कि इनकी सुपर कार है, AMG ब्लैक सीरीज़ उसकी भी वीडियोस ज़रूर देखेगा, और मुझे बताएगा गाड़ी कैसी लगी।